पुराना है। अच्छा, बहुत शक्ति है इसमें। हाँ, इस मंदिर के बारे में मेरी माँ बता रही थी। अच्छा, कल जो तमाशा हुआ उसके बारे में बताओ ना। ठीक है ठीक है, मैंने बताया था ना, कुछ लड़के रोज मेरा पीछा करते हैं। हाँ, बताया था। अब क्या हुआ उनके साथ? अब वो मेरा पीछा नहीं करेंगे। कैसे बुच्ची दीदी? क्योंकि जैसे मैं जानती तक नहीं थी उसे, आई लव यू कह दिया। अरे, किसी लड़की ने आई लव यू बोल दिया तो तुमने यकीन कैसे कर लिया? पता नहीं, उसकी आंखों में कुछ तो था। बेचारा है ना वो। हाँ, तूने सही कहा। उस बेचारे पर दीदी को कितनी दया आ रही है। जी जी। हाँ? मुझे उस पर दया क्यों आएगी? उसके साथ जो भी हो मुझे क्या, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। अगर दोबारा वो लड़का दिखा तो उसे सॉरी बोल दूंगी। सवाल ही नहीं है, कहीं मिल गए तो आई लव यू बोल दूंगा। ऑल द बेस्ट, अब तेरा बैड टाइम शुरू हो गया। तुझे भी ऑल द बेस्ट, क्योंकि तू ही उसे बर्दाश्त करेगी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, कुछ पर्सनल है। एक मिनट। हाँ। बहुत टेंशन हो रही है, अब सारी उम्मीदें तुमसे। वो लड़का मान जाना चाहिए। हाँ, प्लीज। दुर्गा माँ, उनमें बहुत शक्तियां हैं, पता है? तुम्हें टीका लगाऊं? से मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी हालत समझ रहे होगे। उस दिन मैंने तुम्हें ऐसे ही आई लव यू कह दिया था। प्रॉमिस, ऐसे ही कह दिया। सॉरी। हाँ, अगर तुम्हें मुझे डांटना है तो डांट सकते हो। मैं तुम्हें क्यों डांटूंगा, ऑलरेडी मैं तुम्हारे प्यार में गिर चुका हूँ। अब कुछ कहे भी ना जा रहे हो। अभी के अभी माफी देने की जरूरत नहीं है। ये पेपर पूजा में रखा गया था, इस पर साइन कर दो, मैं वहाँ रख दूंगी। फिर माँ जो चाहेंगी वही होगा। पता है, दुर्गा माँ की वजह से मेरा उन गधों से पीछा छूटा था। वो भी तुम्हारी वजह से, इसलिए तुम मुझे अच्छे लगते हो। आई लव यू। थैंक यू, सेम टू यू। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? तुम मेरे दिल को भा गई हो। हा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुर्कमो, ये भी गधा निकला। ऐसे ऐसे नहीं बेटा। ओके, फिर से करते हैं। थाई, 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 यहाँ क्यों आए हो? उस दिन मैंने तुम्हें ऐसे ही आई लव यू बोल दिया था, उसके लिए सॉरी कहा ना?
अब मेरा पीछा क्यों कर रहे हो तुम? उन गधों में से तुम भी एक गधे हो, ये तुमने साबित कर दिया। अरे एक मिनट मेरी बात तो सुनो। एक तो तुमने आई लव यू नहीं बोला, मैं तुम्हें माफ नहीं कर रहा हूँ। ओह सॉरी, साइन करके देता हूँ, माता के पास चढ़ा दूंगी। कितनी नौटंकी करती है। ये लो, अब खुश हो? माँ देखो ना, इसको इसकी प्लेट दो ना। शाम को पानी पूरी चाहिए या नहीं? मेरे सामने नाटक नहीं, जो भी है उधर बताओ। माँ ये माता के मंदिर में ये सब बांधना सही मन्नत है? माता इतनी पावरफुल होती है? बच्चे 8 महीने के होते ही बोलना शुरू कर देते हैं। तूने तो 6 महीने में ही बोलना शुरू कर दिया था। माँ बोलो ना माँ, कब से परेशान कर रहा है, अभी बताती हूँ। रहने दो, उस माता से ज्यादा पावरफुल तो तुम लगती हो। बाय कार्तिक, नाश्ता तो करके जा। इससे पहले 25 आउट हो गए थे, ये 26वां भी एकदम से आउट। तुम्हारे हिसाब से मैं कट हो गया, तुम्हारा लकी नंबर है 8, ये कैसे हुआ? 25 जो पीछे पड़े थे वो सारे आउट हो चुके थे। मैं तुम्हारे पीछे पड़ा गया? नहीं नहीं, वो तो दुर्गा माँ की इच्छा थी। तुम्हें मिलाकर 26 हुए। 2+6=8 मेरा लकी नंबर है। मतलब माता की कृपा से तुम्हारे लकी नंबर में मैं भी शामिल हूँ? हाँ। तुम टॉपिक चेंज मत करो, तुम आउट हो मतलब आउट हो। ओए, अरे भाग क्यों रही हो? ये सब तो माता की इच्छा है ना? नो। तुम जैसा सोच रही हो वो लकी नंबर मैं हूँ। नहीं। ओके ओके ओके, तुमने जैसा बोला मैं कट हो जाता हूँ, ओके ना? भाई 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 नहीं। उधार कितना लिया था? 5 लाख भाई। ब्याज कितना हुआ? 5 लाख। पूरा पैसा तेरा बाप भरेगा क्या? भाई 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 मैं क्या करूं भाई, छोड़ दे भाई। चल खड़ा हो जा भाई, इसकी हालत देखकर लगता नहीं है कि ये पैसे भर पाएगा, आपको ये अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। जब पैसे दिए थे तो तूने कहा था मैं भगवान के समान हूँ, अब भगवान ही तुझे रास्ता दिखाएगा। ए, असल और ब्याज के तौर पे मामा जी आ गए। भाई रात में ओनर की पेशाब निकल गई, सोच लो पुलिस केस, ये सोच के ही उन्होंने बच्चे को उसके घर पहुंचा दिया। थैंक यू। अरे थैंक यू मुझे बोलना चाहिए। रात को नशे में कुछ बोल दिया होगा तो उसके लिए माफ करना। ठीक है। अगले हफ्ते तेरी शादी है, सर पे इलेक्शन है। भाई भाई ये सब क्या है? बोल। वो लड़का फिर से आया था भाई। उसके आते ही मुझे फोन क्यों नहीं किया? उसने फोन करने का मौका ही नहीं दिया भाई। तो फिर सोच क्या रहे हो तुम लोग? उसे रूम में ले जाकर ठोक दो, सारा हीरोइज्म निकल जाएगा। भाई वो गलियों में गिल्ली डंडा खेलने टाइप का लड़का नहीं है भाई, वो बहुत बहादुर है। हाँ, अच्छा तो वो इतना बहादुर है? भाई उसका स्टाइल ही अलग है। भाई उस बच्चे को अपने पास रख के करेंगे क्या? दुनिया हमारी जमीन हमारी, यही कहते हैं ना हम। किसी चीज की ब्रांडिंग नहीं होती सोच समझ कर किसी को रास्ते से हटाने का, सही वक्त पे। काल मनी, तेरा और मेरा कोई निकनेम नहीं है, हमारा एक धंधा है। जो हमारे खिलाफ खड़ा हुआ वो खत्म हो गया। वो लड़का भी कोई बड़ी बात नहीं है, कभी कभी छोटा कांटा भी हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर देता है। तुम्हारे दादाजी मुझसे एक बात कहते थे, समुद्र में जब लहरें आती है तब सामने खड़े मत रहो, झुक जाओगे तो ऊपर से निकल जाएगी। छोटा सा लॉजिक है बस। We'll be right back.
टीवी क्वालिटी खराब हो गई, देसी कर दिया बिल्कुल। जी मैं पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया है। धंधे के लिए आया है तो ऊपर भेज दे, नहीं तो बाहर का रास्ता दिखा दे। इतने 3 लाख में खरीदने के लिए वो कोई सामान है या तुम्हारे बाप का माल है? ए, मेरी जगह पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरे आदमियों को मारकर उससे भी बड़ी गलती। दो अलकिन का आने का टाइम हो गया है, उसके आने से पहले इसे खत्म कर दो।